खबर आ रही पालघर जिले के नालासोपारा क्षेत्र से, जहां पर दिवाकर उर्फ राजू शुक्ला को मिला बहुजन विकास आघाड़ी में स्थान, दो विधायकों के कर कमलों से मिला पद पत्र। आपको बता दें कि वसई विरार शहर मनपा क्षेत्र में एक छत्र राज करती चली आ रही बहुजन विकास आघाड़ी अपनी सत्ता जमाए बैठी है, जो जाति धर्म प्रांत आदि के नाम पर गंदी राजनीति कभी नहीं करती, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने वाली पार्टी के रूप में बहुजन विकास आघाड़ी मशहूर है। आज उसी बहुजन विकास आघाड़ी में दिवाकर शुक्ला उर्फ राजू को नालासोपारा शहर पूर्व का उप सचिव पद देकर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया। राजू शुक्ला वसई तालुका से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ तक निस्वार्थ समाज सेवक के रूप में चर्चित हैं। उसी समाज सेवा को देखते हुए आज उन्हें बहुजन विकास आघाड़ी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राजू शुक्ला ने बताया कि बहुजन विकास आघाड़ी का कट्टर समर्थक होने के साथ साथ बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के बड़े फैन हैं। राजू शुक्ला ने न्यूज फर्स्ट से चर्चा करते हुए यह भी बताया कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे बहुजन विकास आघाड़ी की छवि धूमिल हो। राजू शुक्ला को पद पत्र नालासोपारा विधानसभा के विधायक क्षितिज ठाकुर और वसई विधानसभा के विधायक हितेंद्र ठाकुर के हाथों दिया गया। मौके पर समाज सेवक प्रमोद दुबे, महेंद्र त्रिपाठी, आर विशाल शुक्ला आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं नालासोपारा से हमारी एक खास रिपोर्ट।